पाकिस्तान की सीमा से सटे जैसलमेर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा कर्मियों की लापरवाही से जन्म से पहले ही नवजात की खुशी का दम घोट दिया गया और अपनी गलती छिपाने का प्रयास कर प्रसूता की जान तक को खतरे में डाल दिया। गनीमत रही कि प्रसूता की जान बच गई। दरअसल एक महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान परिजन उसे रामगढ़ सामुदायिक अस्पताल लेकर गए थे। कंपाउंडर अमृत राम ड्यूटी पर था, उसने प्रसव कराने का प्रयास किया। बच्चा उल्टा था, पहले उसके पैर दिखाई दिए तो उसने इतनी जोर से खींचा कि धड़ बाहर आ गया और सिर अंदर रह गया। बच्चे के दो टुकड़े हो गए। नन्ही जान पर इतनी ताकत लगाना डॉक्टरों की भी समझ से परे है। जानकारी के अनुसार 3 दिन पहले दीक्षा कंवर को प्रसव पीड़ा के चलते उसके परिजन रामगढ़ अस्पताल ले गए, जहां से जैसलमेर के लिए रेफर कर दिया गया, जहां पूरे मामले का पता चला। जवाहर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर रविंद्र साखला को रामगढ़ से बताया गया कि डिलीवरी हो गई है और प्रसव कराने के दौरान बच्चे का सिर अंदर रह गया है। बाद में महिला को जोधपुर रेफर किया गया। जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में चिकित्सकों ने महिला का प्रसव किया तो बच्चे का सिर ही निकला। जवाहर अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ और PMO डॉक्टर उषा ने कहा कि मेरे कैरियर में कभी ऐसा नहीं हुआ। बच्चे के दो हिस्से कैसे हुए ये जांच का विषय है। जिसके बाद परिजन बच्चे का सिर लेकर FIR दर्ज कराने के लिए रामगढ़ पुलिस थाना पहुंच गए हैं। पुलिस ने वहां के चिकित्सा कर्मियों से पूछताछ की तो उन्होंने बच्चे का धड़ ला कर दिया। इसके बाद मामला दर्ज किया गया। उपनिरीक्षक जालम सिंह ने बताया कि बच्चे के दोनों हिस्सों का अलग अलग पोस्टमार्टम करवाया गया है। एमरजेंसी में हमारे यहाँ देर रात लेके आए उनको। प्रसूता बहुत कमज़ोर थी और हमारे चिकित्सा कर्मियों ने उस मानवता के नाते उनको बहुत हेल्प की। उसके बाद में उनको वहाँ से जैसलमेर रेफर कर दिया गया। जच्चा बच्चा बहुत कमज़ोर थे और बच्चा मृत था, उसके पैर दिखाई दे रहे थे।